रहा कि हम वहाँ पे मैदान में वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ना है, अपने लिए लड़ना है और अपने जीतने के लिए लड़ना है, और वहाँ पे मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगे ही नहीं जीतेंगे, इस बात का भी हम आपको पुष्टि कर रहे हैं। वीआईपी के अमर पासवान को तेजस्वी ने गले का लगाया कि राजद के दिग्गज नेता बोचहा विधानसभा से कई बार विधायक रहे रमई राम पहुंच गए मुकेश सैनी के दरबार। तस्वीर देखिए, मुकेश सैनी के घर पर पहुंचे हैं रमई राम, साथ में उनकी बेटी डॉक्टर गीता देवी भी हैं। लगातार राजद की तरफ से बोचहा विधानसभा के लिए प्रत्याशी के तौर पर इनकी नाम जो है जोरों शोर पर चल रही थी, लेकिन जैसे ही अमर पासवान ने राजद ज्वाइन किया और राजद ज्वाइन करते ही अमर पासवान ने कहा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, तो दूसरी ओर तस्वीर साफ तौर पर निकल के आ रही है कि मुकेश सहनी के सरकारी आवास पहुंचे हैं रमई राम, साथ में उनकी बेटी भी है जिनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हालांकि मुकेश सहनी दिल्ली में है लेकिन यहाँ पे इंतजार भी किया जा रहा है। मुकेश सहनी ने दिल्ली में साफ तौर पर कहा है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, परिणाम जिस दिन आएगा उस दिन देख लीजिएगा कि वीआईपी जो है वो बोचहा की सीट जो है वो जीतेगी। पहले भी वीआईपी के पास थी और उपचुनाव हो रहे हैं तब भी वीआईपी के पास जो है परिणाम जरूर होगा। लेकिन तो तस्वीर आपने देख लिया, साफ तौर पर मुकेश सहनी के घर पे पहुंच गए हैं रमई राम और साथ में उनकी बेटी भी है जो प्रत्याशी के तौर पर नामों की चर्चा थी, गीता देवी साथ में है। अब मुकेश सहनी ने दिल्ली में इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर बोचहा चुनाव को लेकर साफ तौर पर कहा है कि अमर पासवान राजद गए हैं तो उन्हें बधाई हो, लेकिन वीआईपी भी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। पूरे बयान के साथ छोड़ जाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी दिल्ली में। देखिए, ये चीज की जानकारी नहीं है मुझे, और रहा कि हमारी जो सीट था वो मुसाफिर पासवान जी का ही चुनाव लड़े थे और जीते थे, और उनका सीट हम मानते थे कि उन्हीं का सीट है, उनके निधन पे खाली हुआ, और हमने मजबूती से हमने कहा कि मुसाफिर पासवान जी का सीट है तो हम उन परिवार के साथ हमेशा खड़ा है। अगर उस परिवार से अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो 1% भी ना नहीं है, पहले से क्लियर है। हाँ, उनको स्वतंत्र है, अगर वो कहीं चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे तो फिर वो निर्णय उनको लेना है, और किसी और पार्टी में भी चुनाव लड़ना है तो उन्हीं को निर्णय लेना है, तो उस पर हम कोई दबाव नहीं देंगे। हमारा शुभकामना उन परिवार के साथ पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, उस परिवार के साथ शुभकामना। बाकी वो चुनाव लड़ना है, जहाँ कि हम वहाँ पर मैदान में वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ना है, अपने लिए लड़ना है और अपने जीतने के लिए लड़ना है, और वहाँ पर मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगे ही नहीं जीतेंगे, इस बात का भी हम आपको पुष्टि कर रहे हैं। और आप देख लीजिएगा 16 तारीख को रिजल्ट होगा ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर पार्टी कौन जीता है, वो मजबूती से जीत होगा।